वहीं आपको बता दें कि बुधवार को डॉक्टर्स डे पर निम्स यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान डॉक्टरों की भूमिका भगवान के बराबर है। कोरोना संकट के दौरान तन मन धन से मरीजों की सेवा की गई और यही वजह है कि चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर साल इंडिया में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, जो कि डॉक्टर बीसी रॉय की याद में मनाया जाता है। लेकिन ये डॉक्टर्स डे एक स्पेशल डॉक्टर्स डे के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस बार डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पूरी दुनिया ने जो सम्मान दिया है, जो उसको रेस्पेक्ट दी है, जो प्यार दिया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। रीज़न उसका ये है कि डॉक्टर्स ने इस एक संकट की स्थिति में, जहाँ पर कि कोरोना वायरस नाम की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था, वहाँ पर डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर, नर्सेस ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को सही किया। दोस्तों, होता क्या है कि लाइफ में डॉक्टर्स का एक प्रोफेशन जो होता है, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बड़ा एक महान पेशा होता है। इस पेशे में, इस प्रोफेशन में, इसको कभी भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अब आज की डेट में हमें ये देखना है कि जो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के लिए जो कुछ पेशेंट्स होते हैं, पढ़ने में आता है, देखने में आता है कि मिसबिहेव कर देते हैं। तो दोस्तों, याद ये रखना है यहाँ पे हमें कि डॉक्टर्स भी एक इंसान है। आज अगर आप इंडिया का के आंकड़े देखते हैं तो मोर देन 1000 डॉक्टर्स इंडिया में कोरोना पॉजिटिव हैं, जो कि टेस्टेड किए गए हैं, और जो टेस्ट नहीं हुए उनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। और अराउंड 100 डॉक्टर्स इसकी डेथ हो गई है कोरोना वायरस की वजह से, कि जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी फिगर है। इसी तरीके से मोर देन 156 नर्सेज जो हैं, दे बीन डायग्नोस्ड एज कोरोना पॉजिटिव एंड सम ऑफ देम दे हैव डाइड एज वेल। वर्ल्ड ओवर अगर देखते हैं तो पूरी दुनिया में ये आंकड़ा जो है अपने आप में हज़ारों में पहुँचेगा। तो डॉक्टर्स, जहाँ एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमेशा क्या होता है दोस्तों, कि उसकी अप्रोच जो होती है वो पेशेंट सेंट्रिक होती है। डॉक्टर्स हमेशा अपने मरीज के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसके अंदर मरीज के लिए एम्पैथी होती है, मरीज के लिए सिंपैथी होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार को कठिनाई में डालकर डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट की सेवा करता है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए एक आम जनता को, कि जो कि रखते भी हैं। मैंने देखा है कि ये देश से, पूरी जनता से, पूरे आवाम से जो प्यार मिला, जो मोहब्बत मिली इस समय डॉक्टर्स को, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक पेश करता है। और इसी आपकी इस मोहब्बत की वजह से, इस प्यार और इस सम्मान की वजह से ही डॉक्टर्स को ये एक हौसला मिला कि वो अपने परिवार और वालों को, अपने बच्चों को संकट में डालकर जो है देश की सेवा कर सकें, और आपके मरीजों को और आपको अच्छा कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा बना रहेगा। अगर डॉक्टर्स कभी कोई गलती भी करते हैं, कोई भूल चूक भी होती है, तो उनको इंसान समझकर माफ़ करें, क्योंकि अपने जान जोखिम में डालकर जो इंसान दूसरे को बचाता है, वो एक तरह से एक डिफरेंट स्टेचर और डिफरेंट एक जो है सम्मान का पात्र होता है, प्यार का पात्र होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस डॉक्टर्स डे पे मैं मैसेज देना चाहूँगा दो पार्ट्स में, दो तरीके से। पहला मैसेज तो मेरा है एक देश की जनता से, कि जिससे मैंने आग्रह किया है कि वो अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना सम्मान डॉक्टर्स के लिए बनाए रखे। और दूसरा मैसेज जाता है मेरे डॉक्टर साथियों को, मेरे भाइयों को, कि जो निरंतर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा कर रहे हैं और कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छा कर रहे हैं। तो मैसेज ये है कि वो लोग लगे रहें, हिम्मत ना हारें, मुट्ठी बांध के अड़े रहें। कठिन समय जरूर निकलेगा और जीत हमारी ही होगी।